नीतीश राणे जैसे नेता को तो मेरे नजर में तो ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है कि पता नहीं ये कैसा आमदार बना है। इतने हैं कि हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे। भाई तू अभी मार के दिखा इधर मुमरा में आके, फिर तेरे को हम दिखाते हैं कि हम क्या चीज़ है। नहीं तो ये हमारी चूड़ियाँ पहन ले बाबा तू, और तेरी ये राजनीति करते जा, समझा। हमने अजीत दादा से साफ सुथरी बात की थी कि अगर हमारे धर्म पे, हमारे समाज पे अगर कुछ भी उंगली उठती है तो हम अपने धर्म के साथ में खड़े होंगे, अपने साथी के साथ में खड़े होंगे, ना कि फिर पार्टी देखते बैठेंगे। लेकिन बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट महायुति में, तो आने वाले चुनाव में क्या इसका खामियाजा एनसीपी अजीत पवार को भुगतना पड़ेगा पार्टी को? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नीतीश राणे ने जिस तरह से बयान दिया था मुस्लिमों के खिलाफ, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है और ऐसे में बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना और अजीत पवार गुट एनसीपी दोनों का, तीनों पार्टियों का गठबंधन है और माना जा रहा है कि इस तरह से बयानबाजी जो हो रही है और इससे चुनाव में जो है एनसीपी अजीत पवार गुट को नुकसान भी पहुंच सकता है। हमारे साथ अजीत पवार गुट एनसीपी की महिला नेता हैं अश्विन राउत, उनसे बात करेंगे। नीतीश राणे का जो बयान आया सामने कि मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम धमकियां दी गई, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। नीतीश राणे जैसे नेता को तो मेरे नज़र में तो ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में उरन में एक हादसा हुआ था एक लेडीज़ एक लड़की के साथ में, तो ये उरन में भी जाके इसी तरीके से एकदम घटिया दर्जे की जो है इन्होंने बातें वहाँ पे भी की थी, लेकिन वहाँ की जनता ने इन्हें जवाब दिया था कि आप इस तरीके का वक्तव्य न करें, हम लोग यहाँ पर पूरा मुस्लिम समाज को, वो वहाँ के कोली बांधु, वहाँ की आगरी समाज, वहाँ के बुद्ध जो लोग रहते हैं, हर जाति समाज के लोग हम लोग एकजुट होके हमारे उरन गांव में रहते हैं, तो आप बराए मेहरबानी यहाँ पर आके हम लोगों में दुश्मनी या भड़काऊ भाषण करके कोई भी ऐसी हरकत न करे। तो ऐसे आदमी को पहले तो कोई इज्जत नहीं है ऐसे लोगों की। पता नहीं ये कैसा आमदार बना है, इसने अपने वालिद से सीखना चाहिए, अपने फादर से कुछ राजनीति सीखनी चाहिए कि जब वो एक वक्त में मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने कई मस्जिद में, मदरसों में दुआ करने की अपील की थी। कई इनके दोस्त वगैरह भी जो है मुसलमान हैं, क्योंकि मैं इन लोगों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, थोड़ा है अपनी जान पहचान भी अल्हम्दुलिल्लाह राजनीति में रहते हुए। तो ये लोग सिर्फ जो है अभी ये नीतीश राणे जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो वक्तव्य इतने गंदे तरीके से कर रहा है, तो पहले तो मैं इनको बता दूं कि मदरसों में और मस्जिदों में मुसलमानों को तालीम ये दी जाती है कि अपने से दूसरे लोगों का कभी भी दिल न दुखे, किसी को अपने ज़रिए से कोई तकलीफ़ न पहुँचे। तुम हम लोगों को सब्र करना सिखाया जाता है कि जहाँ तक हो सके आप लोग सब्र करो, आप लोग जो है पहले देखो कि क्या हालात है क्या नहीं है, और किसी को अपने ज़रिए से नुकसान मत पहुंचाओ, जज्बाती मत हो। ये सब हम लोगों को मुसलमान जो होने के नाते जो है हमारे हदीसों में, हमारे मदरसों में हमको यही सब सिखाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, नीतीश राणे जैसे लोग ये जो हरकत कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जात धर्म से भी बढ़ के एक जात है जो इंसानियत की जात है, और ये कहीं पे भी इंसानियत पे खरे नहीं उतर रहे, क्योंकि किसी भी मौलवी को, किसी भी पंडित को, किसी भी साधु को, किसी भी संत को किसी का दिल दुखाने का कोई अधिकार नहीं है, और किसी के धर्म पे उंगली उठाने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम भारत देश के वासी हैं, यहाँ पर सभी जाति धर्म एक समान मानी जाती है, यहाँ के त्यौहार एक साथ लोग मनाते हैं, और ऐसे हालात में ऐसे गंदे कीड़े में बोलूँगी ये कीड़े से भी गया गुजरा है कि आए दिन कुछ न कुछ ये वक्तव्य करते रहते हैं, गलत भाषा इस्तेमाल करते रहते हैं मुसलमानों के बारे में, और ये जो कहते हैं कि हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे, भाई तू अभी मार के दिखा इधर मुमरा में आके, फिर तेरे को हम दिखाते हैं
कि हम क्या चीज है। नहीं तो ये हमारी चूड़िया पहन ले बाबा तू, और तेरी ये राजनीति करते जा, समझा। ये जो है ना हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, ये घर बैठ के तू करते रहे ऑफिस से एसी में बैठ के, क्योंकि बड़े नेता लोग जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके बच्चों को लड़ाते हैं। कोई नेता का बेटा नहीं मरता है, आप कभी भी ध्यान दो, नेता का बेटा नहीं मरता है फसाद में। मरते कौन है? हमारे कार्यकर्ता, गरीब बच्चे मरते। मुसलमान हिंदू के जो गरीब बच्चे रहते हैं वो मरते। इसलिए जनता ने भी अभी होशियार होना चाहिए। जिस तरीके आप से कह रही हैं कि जो है धर्म पर उंगली उठाकर राजनीति नहीं करना चाहिए, महायुति है आप लोगों की, तो फिर देवेंद्र फडणवीस हैं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, तो फिर ऐसे जो भाषण दे रहे भड़काऊ, इन पर ये लोग रोक क्यों नहीं लगाते? इनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करती? FIR भी दर्ज हुआ है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। ने भी जब वक्तव्य किया था उस वक्त में, जब शिंदे साहब ने उनको फेवर करने की बात की थी, हमने अजीत दादा से साफ सुथरी बात की थी कि अगर हमारे धर्म पे, हमारे समाज पे अगर कुछ भी उंगली उठती है, हमारे ही नहीं कोई भी जात धर्म के लोग हो, अगर नाहक अगर कोई उनको तकलीफ पहुंचाता है, तो हम अपने धर्म के साथ में खड़े होंगे, अपने साथी के साथ में खड़े होंगे, ना कि फिर पार्टी देखते बैठेंगे। आप कह रहे हैं पार्टी हम देखते नहीं बैठेंगे ये सब मामलों को लेकर, लेकिन बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और NCP अजीत पवार गुट महायुति में, तो आने वाले चुनाव में क्या इसका खामियाजा NCP अजीत पवार को भुगतना पड़ेगा पार्टी को? क्योंकि अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी NCP भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो ऐसे में आने वाले चुनाव में क्या इसका खामियाजा NCP अजीत पवार गुट पार्टी भुगतेगी? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, मैं एक बात आपको क्लियर कट बता दूं कि जिस वक्त में मुसलमानों पे जब वो हुआ था, तो अजीत दादा पवार ने तभी कुछ वक्तव्य किया, लेकिन जो आज सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, हाँ सेक्युलर 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 पार्टी बोल रहे थे, उनके किसी भी एक बड़े नेता ने कुछ बोला है क्या उसके ऊपर? हाँ शरद पवार साहब ने कुछ बोले क्या? नहीं बोले। उद्धव ठाकरे साहब ने कुछ बोले क्या? नहीं बोले। तो कहाँ है ये सेक्युलर पार्टी? तो कम से कम अजीत पवार साहब भले बीजेपी में हो, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं किसे, लेकिन वो अपनी जबान के पक्के। उन्होंने जिस वक्त हमको बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम अगर कोई भी मुद्दा उनके पास लेके जाते हैं तो वो ठाम होके उसकी भूमिका लेते हैं और हमारा साथ देते हैं। ठीक है, अजीत पवार की आप बात कर रहे हैं, अजीत पवार ने भी क्या अब तक इन मामलों को संज्ञान में लेकर क्या महाराष्ट्र के CM या फिर देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री, उनसे क्या इस संबंध में बातचीत की कि भाई इस तरह के बयानबाजी क्यों किए जा रहे हैं? चर्चा की, हमने गए थे, हम हमारे अध्यक्ष भी हमारे साथ में थे, जफर नौमानी साहब थे, नियान आप थे, आप लोगों ने उनसे चर्चा की, लेकिन अजीत पवार ने क्या बातचीत की उन लोगों से? जब आपने देखा, क्योंकि आप लोग युति में हैं, तो ऐसे में आपके पार्टी को नुकसान होना तय माना जा रहा है। मामला हुआ था तो हमारे अजीत पवार साहब वहाँ पे गए थे कि नहीं? पहुंचे थे ना, इनके शरद पवार साहब पहुंचे थे क्या? उन्होंने एक तो वक्तव्य ऐसा किया है क्या? कुछ तो एक तो बात हमारे मुसलमानों के फेवर में बोल के कुछ किए है क्या? उद्धव ठाकरे ने कोई एक बात की क्या? जब इसका अभी जो बिल, अभी ये जो हुई कमेटी बैठी जो अपनी वर्क बोर्ड के बारे में, उस वक्त भी इनके नेता भाग गए थे वहां से, तो आप कैसे सेकुलरिज्म की बात करेंगे? तो फिर यही अच्छी ना, फिर कम से कम हमारी बात रखने की जगह तो है हमारे पास। वहाँ तो क्या है, यही है, अच्छा हुआ तो हमने किए, बुरा हुआ तो भाई वो पार्टी ने कर दी, सत्ताधारी ने कर दिए। कम से कम हम लोग सत्ताधारी पे उंगली तो उठा रहे, उनको बोल भी तो रहे। और कहीं ना कहीं अगर हमारी कौम के ऊपर अगर ये लोग ज़्यादती करते हैं, ना इंसाफी होती है, हम लोग पार्टी ही छोड़ देंगे। हम लोगों को पार्टी पहला नहीं है, धर्म पहला है। तो क्या माना जा रहा है कि चुनाव, अगर अजीत दादा चुनाव में ऐसे ही हेट स्पीच अगर चलती रही तो चुनाव में अजीत पवार NCP पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ेगा, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, आप कितनी सहमत हैं? देखिए लोग जो कल तक विकास विकास की बात करते थे, विकास बह गया गंगा में। मैं पूछ रहा हूँ नुकसान होगा क्या चुनावी चुनाव क्षेत्र में? नुकसान होगा क्या? बात को लेते हुए ये बात कर रहे हैं ना, तो विकास कहीं ना कहीं गंगा में बह गया और डेवलपमेंट जो है वो खाड़ी में रह गया। जो डेवलपमेंट था हमारा वो खाड़ी में रह गया और विकास जो है वो गंगा में बह गया।
तो अभी हमारे पास बात करने कुछ रह नहीं गया, तो हम लोग सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहे, बीजेपी की बात कर रहे, हिंदू मुस्लिम की बातें करके, बीजेपी की बात करके लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं भाई? 5 साल सरकार हटने वाली है क्या बीजेपी की? हम लोग हटेंगे भी तो क्या बीजेपी की सरकार हटने वाली है क्या? नहीं हट रही है। लेकिन इन्होंने जो इसके नाम पे, जो एकता के नाम पे जो इन्होंने वोट लिए थे सेकुलरिज्म के नाम पे, तो इन लोगों ने उस पर क्या किया है मेरे को ये बताओ ना। हमारा क्या साथ दिया है मुसलमानों का? कोई एक तो ऐसी चीज़ बता दो कि भाई यहाँ पे मुसलमानों का सपोर्ट इन्होंने किया बड़े नेताओं ने, है आपके पास जवाब? आपने सुना कि नीतीश राणे की जिस तरह से बयानबाजी हो रही है मुस्लिमों के खिलाफ, हेट स्पीच का मामला आ रहा है। हालांकि नीतीश राणे के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है, लेकिन वही चुनावी क्षेत्र में ये भी माना जा रहा है कि अगर इसी तरह से बयानबाजी, हेट स्पीच होती रही तो कहीं ना कहीं अजीत पवार NCP गुट को इस चुनाव में नुकसान भी हो सकता है।